मुझे जाने दो, मुझे मुझे जाने दो, सरेना इंतजार कर रही है। हाँ अरुण, हम तुम्हें छोड़ देंगे। कब छोड़ोगे, कब? एपिसोड की स्टार्टिंग होती है प्रोफेसर सीरीज की लैब से गई जाए, फिर वहाँ पे हमें दिखाया जाता है रेन और वो वाली जो प्रोफेसर रहती है वो गुहारू को बता रही होती है कि आजकल सिल्वियन वाले एक ट्रेनर और सिल्वियन और उसका ट्रेनर बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आ रहे हैं आजकल। तो वहीं पर फिर हमें लीजा दिखाई जाती है तुरंत ही गई जाए, वो बता बोल रही होती है, दिखाते हैं बहुत अच्छा अच्छा उसका दिखाते हैं। फिर गई जाए वो बोलती है कि मैं बहुत अच्छी ट्रेनर हूँ कि मैंने अपने तुम लोगों को मैंने अपने कॉन्टेस्ट में बुलाया। फिर वहाँ पे हमें दिखाया जाता है सब खुश हो रहे होते हैं, लीजा लीजा चिल्ला रहे होते हैं, भाई लीजा ही इसका नाम है कि मैं गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ तो यार माफ़ कर देना, बट यार यही होती है, इसके बारे में ज़्यादा मेन नहीं है हमारा। तो यार फिर यहाँ पे आती है गुहारू और वो बोलती है कि तुम मुझे छुप छुप के क्यों देख रही हो, मेरे पास आओ। तो वहीं पे वो खुद ही पास चली जाती है उसके और बोलती है कि मैं तुम क्या मुझे जानती हो? तो गुहारू बोलती है नहीं, तो मैं तुम्हें बताऊँगी मैं कौन हूँ मैं क्या हूँ। तो वो बताती है कि मैं एक परफॉर्मर हूँ पकमॉन, और तुम्हें अच्छा लगता है कि नहीं पकमॉन परफॉर्मर। तो गुहारू को इसके बारे में कुछ पता नहीं रहता तो वो बियर्ड का फेस बनाती है। तो वहीं पे हमको गो दिखाया जाता है जो कैसे यार एक अल्टारिया को पकड़ा होता है और वो अल्टारिया निकल के भाग जाता है। फिर हमें गुहारू की भी ईडी दिखाई जाती है जो डबल बार मैंने दिखा दिया है। गुहारू को वो लीजा कुछ देती है, उस वो शायद पोकेमोन कॉन्टेस्ट का पास देती है, प्लस उसको कुछ पार्टिसिपेशन वाली चीज़ें भी देती है जिससे वो पार्टिसिपेट कर पाए। और पीछे की नॉइज़ के लिए माफ़ कर देना गाइस यार, आज थोड़ा नॉइज ज़्यादा हो रहा है। तो गाइस यार फिर वहीं पे लीजा उसको बाय बोलती है और बोलती है कि तुम्हारी और ईवी चैन की स्टोरी आज से शुरू हो गई। तो वहीं पे फिर वो उसको बाय बोल देती है और बोलती है मिराकल आइलैंड में मिलेंगे। तो मुझे तो समझ में आ गया, तुम्हें क्या समझ में आया, बाय। तो वहीं से फिर गुहारू को दिखाया जाता है और फिर वहाँ पे वो दिखाई जाती है गुहारू एक पार्क में, जो जहाँ पे हमको दिखाई जाती है सरेना की सिल्वियन बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा है। थोड़ी देर बाद वीडियो बनाएंगे हम। अब तो हमें वहीं पे सिल्वियन दिखाई जाती है सरेना की जो अटैक कर रही होती है, और वहीं पे सुंदर लोग भी दिखाए जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो फिर हमें सरेना दिखाई जाती है और सरेना आती है गुहारू के पास, बोलती है तुम गुहारू हो ना, तुम्हारे पास भी एक ईवी है। उसने सरेना ने उसको देखा था एक लाइव स्ट्रीम में। तो वहीं पे वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है गुहारू को, और गुहारू भी बोलती है तुम मुझे देखने के लिए शुक्रिया और तुमने मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस किया मुझे। तो फिर द ट्रेनर ऑफ निजाया जाया कि वो पूछती है गुहारू की क्या सरेना ऐसा होता है कि पोकेमोन कॉन्टेस्ट में सुंदरता ही होती है कि और कुछ भी करना होता है? तो वो सरेना बताती है मुझे नहीं पता, शायद सुंदरता ही काम आती होगी। आई वॉन्ट टू शो, वो बोलती है कि मुझे भी अपनी ह्यूमन परफॉर्मेंस दिखानी है अपने ईवी के साथ, क्या मैं कर सकती हूँ? तो सरेना उसको मोटिवेट करती है, बताती है कि हाँ ईवी अपने आप डिसाइड करती है उसको कौन से फॉर्म में इवॉल्व होना है। और तो वो बोलती है गुहारू की, वो पूछती है सरेना कि तुमने अभी तक अपनी ईवी को क्यों नहीं इवॉल्व किया? तो वो बोलती है कि मुझे नहीं पता क्यों नहीं इवॉल्व किया, क्योंकि बहुत मुश्किल है मेरे ख्याल से ये, क्योंकि ईवी को कोई भी स्टोन दो तो वो इवॉल्व ही नहीं होती है। तो वहीं पे वो बताती है फॉर एग्जांपल दिस चाइल्ड, ये मुझे मिली थी तब ये बहुत ज़्यादा खुश रहती थी, ये उछलती थी कूदती थी, इसको डांस करना बहुत पसंद था और हम दोनों साथ में हर जगह घूमते थे, हर जगह पार्टिसिपेट करते थे। एक दिन ऐसा आया कि हम दोनों एक साथ हो गए जब ये इवॉल्व हो गए सिल्वियन में, और इवोल्यूशनरी सिस्टम दैट यू वांट टू बी, जो तुम्हें चाहिए यही तो है इवोल्यूशनरी सिस्टम। तो वो सरेना उसको एकदम अच्छे से समझाती है और अब बताती है वो पोकेमोन कॉन्टेस्ट के बारे में अच्छे से, उसको पोकेमोन परफॉर्मेंस के बारे में, और बोलती है कि तुम पोकेमोन परफॉर्मेंस को क्यों नहीं देखती हो, तुम्हें पोकेमोन परफॉर्मेंस देखना चाहिए। तो वहीं पे गुहारू बोलती है मैं देखूंगी जरूर, और उसको इतना मोटिवेट करती है गुहारू को, और बताती है कि कभी कभी जब मैं पोकेमोन परफॉर्मेंस करती थी मैं हारती थी तो मुझे डिप्रेस भी हो जाती थी, बुरा भी लगता था अच्छा भी लगता था, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी रहती थी कभी कभी। तो वहीं पर गुहारू को फोन आ जाता है गो का, और गो वो से बोलती है गुहारू क्या हुआ तुम्हें? तो फिर गो बोलता है कि गुहारू बोलती है मेरे सर मत खाओ गो। तो वहीं पे फिर बोलती है कि मैं अभी खोई नहीं हूँ। तो फिर गो बोलता है कि मैं तुम्हारा सर नहीं खा रहा हूँ, बस मैं तुमसे पूछा था तुम कहाँ हो, मैं भी आऊँगा कॉन्टेस्ट में। तो वहीं पे ऐश बोलता है हाँ मैं भी आऊँगा। तो ग्रोकी का चेहरा देख लो भाई, अरे भाभी से मिल रहा है मेरे। तो वहीं फिर गुहारू बोलती है ऐसा वैसा, फिर वहीं पे बोलता है हम लोग फिर मिलते हैं वहीं पे। तो गो बोलता है और ऐश बोलते हैं, तो फिर वो गुहारू बोलती है कि मुझे नहीं मिलना तुम लोग से। तो वहीं पे फिर सरेना बोलती है क्या तुम्हारे दोस्त भी आएंगे वहाँ? तो वो गुहारू बोलती है योर फ्रेंड। तो गुहारू
डबल बार आ गया, जो बोलती है कि हाँ शायद मेरे फ्रेंड्स भी आएंगे तो हम वो लोग मेरा परफॉर्मेंस देखेंगे। फिर बोलती है कि ईवी से क्या तुम पूछती है गुहारू मैं कर सकती हूँ, तो वो सरेना बोलती है हाँ तुम कर सकती हो तुम्हारे अंदर मेरे को लगता है। तो फिर हम चलिए अब बढ़ा देते हैं आगे। तो गई यार यहाँ पर फिर हमको देखने को मिलता है जब ऐड पहुँच रहा होता है उसका कॉन्टेस्ट देखने के लिए, फिर वहीं पर हमको एक सबसे मोस्ट फेवरेट हेटेड पर्सन और करेक्टर ऑफ पोकेमोन फ्रेंचाइज भाई वैलेस भाई अपने सरेरा से नहीं मिलने दिया भाई ऐस को। ऐस से पूछता है कि तुम क्या मुझे याद हो, ऐस से पूछता है कि क्या मैं तुम्हें याद हूँ, तो ऐस बोलता है नहीं। तो फिर वो भागने लगता है ऐस, तो फिर उसको पकड़ लेता है गो और ऐस भागने लगते, तो वो बताता है कि मैं वही हूँ ड्रिंकिंग पार्टी में जो जॉन और मेज जब आए थे एक ही एपिसोड में तब का बात बताता है। तो वो बोलता है ओ आइडियल लूसिया नीच माई वो इज माई नीच, वहीं पर वो उसको समझाता है अपने बारे में उल्टा सीधा अपनी पढ़ाई चढ़ाई करता है। वहीं पर सरेना दिखाई जाती है जो गुहारू को दे रही होती है एक ड्रेस कि गुहारू तुम यही ड्रेस पहनो, और वहाँ पर सरेना उसको प्यार करती है, क्या बोल रहा हूँ भाई। तो फिर वहीं पे उसकी सिल्वियन को प्यार करते हुए वो उसको एक रिबन देती है और वहीं पे रिबन से लग जाता है और वो बोलती है कि तुम लोगों को भी फिर से अब चमकना है तो तुम लोगों को भी मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी ईवी के साथ तुम्हें चमकना होगा स्टेज पे। तो वो पूछती है क्या तुमने आज से पहले इसको एक बार भी किया है, तो गुहारू बोलती है नहीं मैं पहली बार कर रही हूँ उसको। तो फिर ईवी बोलती है उछल रही होती है इसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ। गो हमको दिखाया जाता है गो उन लोगों का कॉन्टेस्ट का देख रहा होता है और वहीं पे ऐस और उसके रैगनाइट वर्सेस सॉम्पटर हो रहा होता है, वहीं पे एक परफॉर्मर दिखाया जाता है और गुहारू देख उसको बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही होती है। तो वहीं से सरेना आती है उसको मोटिवेट फिर से करती है तुम कुछ बोलो कुछ भी कर सकते हैं, तुम भी क्यों नहीं कर सकती, तुम भी कोशिश करो। तो फिर हमको गुरु दिखाया जाता है वो परफॉर्म देख रहा होता है और वहीं में फिर वैलेस लोग बोलो फाइट कर रहे होते हैं उसका क्या बोलते हैं इसको गाइस क्या नाम था भूल गया भाई माफ़ कर देना। तो वहीं पे फिर दिखाया जाता है और वहीं पे ईवी दिखाई जाती है। अब गुहारू की बारी थी, गुहारू को ईवी बहुत अच्छी सी स्माइल देखती है मैं पीछे मुड़ के और गुहारू भी खुश हो जाती है और फिर वो बोलती है कि मैं ये सिर्फ कर रही हूँ कार वैली की वजह से और वहीं पे फिर सबके लिए मैं कर रही हूँ बोलती है। और फिर वो अपना सारे ईवी के इवोल्यूशंस को याद करती है अटैक्स को और वो सारी एनर्जी इकट्ठा कर रही होती है सारी ईवी के इवोल्यूशंस की और वहीं पे फिर वो अटैक करती है वही वाला अटैक जो सिल्वियन ने किया था और वहीं पे फिर वो बहुत सुंदर सा अटैक करती है और वहीं पे देख सकते हो गाइस यार बहुत सुंदर लग रहा है उसके ऊपर उछल उछल के जा रही होती है सरेना उसको देख के बोल चीयर अप कर रही होती है और ईवी का परफॉर्मेंस लोगों को बहुत पसंद आता है और वो बोलता है तुमने कल दिखाया गुहारू। तो वहीं पे ये लोगों की बैटल अभी भी नहीं खत्म हुई थी, गो सोचता है कि बैटल खत्म हो चुकी है बट वहाँ पे ऐस अपना पिकाचू को और वो माइलोटिक को भेज दिया होता है वहाँ पे उसने वैलेस ने और वहीं पे फिर हमको दिखाया जाता है पोकेमोन कॉन्टेस्ट की फिर से स्टेज दिखाया जाता है जहाँ पे आपकी सरेना करने वाली थी उसके ब्रेक्सिन सिल्वियन और पैंचम के साथ। तो वहाँ पे उसने ब्रेक्सिन को निकाला और ब्रेक्सिन उछला सबसे पहले उसने यहाँ पे पैंचम ने यूज़ किया शैडो बॉल टाइप का कुछ अटैक था शैडो बीम मैं भूल गया और वहीं पे फायर अटैक यूज़ किया था ब्रेक्सिन ने और वहीं पे एक रिंग्स बन के आई थी बहुत सुंदर सुंदर और रिंग्स बन के आई थी और वहीं को देख के गुहारू भी उसको चीयर अप कर रही थी बहुत खुश हो रही थी। और वहीं पे फिर सिल्वियन ने एक ब्रेक्सिन ने आग का गोला बनाया और वहीं पे सिल्वियन उसके ऊपर कूद रही थी उसके गोल गोल फिर चक्कर लगा रही थी और वहीं फिर पैंचम भी आया पैंचम भी यही कर रहा था और उसको जमा दिया पैंचम ने उसको जमा दिया। फिर वहाँ पे एक पहाड़ बन गया जिसके ऊपर सिल्वियन वो चल रहे थे और दोनों ने एक साथ अटैक किया और बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ जिससे पूरा भर गया मैदान। तो वहीं पे फिर देख के वो खुश हो रही होती है फिर अनाउंसर बोलता है कि तो सरेना जीत चुकी है मतलब भाई बहुत खुशी की बात थी अब मेरे को समझ में नहीं आता बट यार जिसने भी डाला है उसने यही लिखा है कि सरेना जीत चुकी है। तो फिर वो बाय बोलने आती है बताती है कि तुम लोगों को तुमको हमेशा याद रखना चाहिए कि वो शायद किसी के हर के अंदर दम होता है वो लोग कुछ भी कर सकते तुम भी कुछ भी कर सकती हो मोटिवेट करती है उसको और बोलती है सर तुमने मुझे इतना कुछ सिखाया थैंक यू उस चीज़ के लिए। तो वहीं पे वो लोग बात कर रहे होते हैं सरेना भी बात कर रही होती है और तभी वो बोलती है कि अब मैं गेट लॉस्ट मतलब बोलती है तो मतलब उसके जाने का टाइम आ चुका होता है और वहीं पे बोलती है कि हाँ चलो अब हम लोग चलते हैं और वहीं पे बसती है सच में शिप की सेलिंग की रिंग बज जाती है। तो फिर वहीं पे वो चढ़ जाती है और वहीं से ऐस आता है ऐस ने तो भाई सरेना पे ध्यान भी नहीं दिया भाई और वो डायरेक्ट चढ़ जाता है शिप पे और सरेना बुलाती है उसको सातोशी। तो फिर वहीं पे ऐस मुड़ के देखता है बोलता है सरेना। तो फिर सरेना और ऐस का बहुत ज़्यादा बड़ा वाला मीटअप होता है और जैसे सरेना दिखाया बोलती है कि ऐस तुम कैसे हो सरेना ऐस बोलता है कि तुम कैसी हो तो बोलती है मैं बहुत सही हूँ और ऐस भी बोलता है मैं भी बहुत ठीक हूँ। तो फिर वहीं पर शिप की चलने की आवाज़ आने लगती है तो ऐस बोलता है कि मैं पोकेमोन मास्टर बनूंगा बहुत जल्द पोकेमोन चैंपियन। तो सरेना बोलती है मैं भी एक पोकेमोन परफॉर्मर बनेंगे। तो वहीं दोनों अपना सपने के बारे में बोलते हैं कि हम करके दिखाएंगे एक दूसरे को और वहीं पे वो दोनों बात करते हैं और बाय बोलते हैं एक दूसरे को। तो वहीं पे फिर हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है।
गुहादू का चेहरा दिखा के। सो गाइस एपिसोड कैसा लगा आपको बता देना, और गाइस पीछे की नॉइस के लिए आज के माफ़ कर देना। सो आप तब तक लेटर लेके बाय बाय, और गाइस वीडियो पे 200 लाइक्स कर देना।